तो यार आप सभी का स्वागत है ब्लैक ब्लू गेमिंग में, और आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। और सॉरी यार कि मैं क्वेश्चन लेना फिर से भूल गया हूँ, लेकिन मैं एक चैनल लाया हूँ जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। और उससे पहले मैं बता दूँ कि इस वीडियो में मैं 300 लाइक का एम रख रहा हूँ फिर से, इसलिए प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद ये वीडियो देखो। तो यार देखो, जो अभी गिव अवे चल रहा है उसका भी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि उसका विनर कौन है। तो यार देखो, मैंने कुछ तो चेंज किए हैं, जो गिव अवे चल रहा था उसमें एक थोड़ा सा चेंज किया है कि जो विनर होंगे, विनर में दो नहीं होंगे, वो सिर्फ एक विनर होगा। उसका करने का रीज़न ये है कि यार देखो, जो पार्टिसिपेटर आए काफ़ी कम आए हैं, वैसे जो व्यूज़ आए वो 2000 से ज़्यादा आए, लेकिन जो पार्टिसिपेटर है वो 400 भी नहीं आए हैं पूरे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ मैं। और उसी की वजह से मुझे दो विनर से एक विनर करने पड़ रही है। और यार देखो, ये मत सोचना कि ये गिव अवे पूरा हो गया है, इस गिव अवे को हम दोबारा से करेंगे, तो इसलिए एक विनर को अनाउंस करने के बाद ये गिव अवे ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से एक गिव अवे होगा। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी दो तीन चीज़ें गिव अवे होने वाली और उसके बाद माइनक्राफ्ट का गिव अवे आएगा। और देखिए, जो छोटा सा बच्चा है विलेदर का बच्चा है, और देखते हैं बड़ा होके क्या बनने वाला है। ओके, तो ये हथियार वाला बनेगा, जो हथियार बेचता है। वैसे जो इसका नाम होगा वो टूल्स में तो होगा, मतलब ये टूल बनाने वाला होगा, तो बढ़िया बात है कि हमें इंचेंटेड टूल मिलेंगे। और देखो, जो अनाउंसमेंट होगी वो इसी वीडियो के अंदर होगी, तो मैं कहीं पर भी अनाउंस कर दूंगा जो भी होगा विनर। तो जिस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए वो है अभिनव गेमर एक्स। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो अभिनव गेमर एक्स, जो काफ़ी बढ़िया कमेंट्री करता है, वो भी गेमिंग की वीडियो बनाता है, मतलब कि ऐसी वीडियो बनाता है कि जैसे कि हाउ टू डाउनलोड पबजी या हाउ टू डाउनलोड माइनक्राफ्ट, तो ऐसी वीडियो बनाता है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और बताता है वो। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना, अभिनव गेमर एक्स से सर्च करना है, तो ये चैनल आपको सर्च करना है। और ये भी गेमिंग का चैनल है, और एक बार गेमिंग और लिख देते हैं। तो अभी मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए, और साथ ही मैं कुछ चीज़ें ले जाऊँगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने फ़िशिंग की थी जिसमें मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है, चलिए दिखा देता हूँ मैं। तो मुझे फ़िशिंग में एक टैग मिला था, और एक पानी की बोतल, और एक लेदर मिला था, और साथ ही मुझे मिला था एक लिली पैड, और एक मिला था मुझे शेल मिला था, जो काफ़ी अच्छी बात है। और एक मिली थी मुझे बुक, जो फॉर्चून की बुक है, वो भी लेवल 3 की, और कुछ मछलियाँ मिली थी, और बाकी यही चीज़ें मिली थी। जो बाकी हमारी काम काम की चीज़ें उनको रख लेते हैं। तो 6 हमारे पास शेल हो गई है, और 2 शेल और चाहिए हमें, क्योंकि जो हमें हार्ट ऑफ द सी मिला था इसका यूज़ मैं तभी बता पाऊँगा जब हमारे पास 8 शेल हो जाएंगे। और बुक को भी संभाल के, ओके तो मैं बुक नहीं लाया हूँ, चलो कोई नहीं। और यार देखो, जो मेरे पास बो रखा हुआ है लेवल 1 का, जो पंच जिसमें इंचेंटेड है, तो इसको मैं इंचेंट करने वाला हूँ फिर से। और सबसे पहले मैं एक बोर बना लेता हूँ, ताकि सबसे पहले मैं इसको अपडेट कर सकूँ। तो बो बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको रखनी है इस तरीके से लकड़ी, और साइड में रख देनी है स्ट्रिंग, तो इससे आपको बो मिल जाएगा। और चलिए चलते हैं नीचे, जो एनविल है, एनविल पर मैं अपडेट करने वाला हूँ। और जो ऊपर फर्नेस रखा हुआ है वहाँ मैंने मछलियाँ रख दिया था, और इसको रिपेयर करने के लिए मुझे सबसे पहले अपना इंचेंटेड रखना होगा, और उसके साथ जो मेरा नए वाला वो रखना है, तो इससे मुझे मिल जाएगा जो ठीक ठाक वो है, मतलब ठीक होके आ जाएगा रिपेयर होके, वो मिल गया है। तो अब मैं इसमें एक इंचेंट डालने वाला हूँ, जो कि है इन्फिनिटी की इंचेंट है, इसमें 3 इंचेंट है। तो करना क्या है कि अपना वो रखना है और साथ में रखनी है बुक, तो लेवल 5 लगेंगे, कोई नहीं। तो इससे मिली है हमें तलवार, सॉरी तलवार नहीं, बो मिला है हमें इन्फिनिटी वाला। तो इन्फिनिटी वाले से होता क्या है कि अगर आपके पास एक भी एरो है, मतलब कि जैसे मेरे पास 2 है, तो मैं जितने चाहूँ उतने चला सकता हूँ। तो चलिए एक बार करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ स्केलेटन खड़े थे, और ये देखिए हमारे घर के अंदर एक पिगी आ गया है, जो ज़ॉम्बी पिगमैन है वो घुस के आ गया, पता नहीं कैसे आया है। तो मुझे थोड़ा सिक्योर रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और भी आ जाए, तो इसको सबसे पहले मारना पड़ेगा। और ये हमारे एरिया में, तो इसलिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा, तो बढ़िया है। और देख लेते कि कहाँ गया वो जो स्केलेटन है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इन्फिनिटी जो मैंने इसमें इंचेंट डाला है उसका यूज़ क्या है। वो रहा सामने, ओके तो मकड़ी को लग गया। तो यही फ़ायदा होता है इन्फिनिटी का, कि आपके जो एरो है वो कभी ख़त्म नहीं होते। हमारे पास बो आ गया और एरो भी है, करना क्या है हमें, हमें थोड़ी बहुत चीज़ें और चाहिए। थोड़ी हमारे पास टॉर्च है, और साथ ही हमारे पास कबलस्टोन है। तो खाना थोड़ा सा ले लेते हैं, और पिछली बार मैं खाना ही भूल गया था, तो मछली हमारी बनके तैयार है, तो इतनी काफ़ी है। और साथ ही एक बेड ले लेते हैं, जो हमारा बेड है, देखते हैं कि कोई एक स्पेशल तलवार हो। ओके तो एक गोल्डन तलवार है, तो इसको लेके जाएंगे। और अभी क्या करना था मुझे, हाँ मुझे मैप लेना है, जो मेरा मेन मैप है वो तो मैं लेना भूल ही गया।
तो मैप चाहिए हमें ओशन मैनूमेंट का, जो है ओशन एक्सप्लोरर मैप है। तो इस मैप को दूसरे हाथ में रखना है, क्योंकि बार बार मुझे मैप को देखना पड़ेगा और बार बार मैं मैप को नहीं खोलूँगा, क्योंकि एक हाथ में मेरी तलवार रहेगी। तो सारी चीज़ मेरे पास आ गई, एक चेस्ट आ गया है, बेड है और ओके। तो एक चीज़ और भूल गया मैं, मुझे पोशन तो लेनी है, तो पोशन बना लेते हैं। मेरे ख्याल से पहले से बनी हुई है, तो पोशन ले लेते हैं सबसे पहले। नाइट विजन की पोशन है हमारे पास, और पिछली बार हमारे पास कम पड़ गई थी, और वाटर ब्रीथिंग की पोशन ले ली है। तो एक पोशन और बनानी पड़ेगी हमें, जो होगी इनविजिबल की पोशन। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इनविजिबल की पोशन कैसे बनती है। और पोशन के लिए मुझे सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, जो कि होगी मशरूम। और देख लेते हैं मशरूम है भी या नहीं। ओके, तो मशरूम ये रही, मेरे ख्याल से यही मशरूम की ज़रूरत होगी, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो दूसरी वाली मशरूम लगेगी, तो देख लेते हैं ब्राउन मशरूम है भी, हाँ ये रही। और जो ये वाले मशरूम है इसको रख देते हैं। और दूसरी चीज़ हमें शुगर चाहिए, और शुगर देख लेते हैं हमारे पास है भी या नहीं। मेरे ख्याल से तो शुगर तो होनी चाहिए। ओके, तो शुगर हमारे पास है नहीं, तो जो हमारे पास लास्ट बचा हुआ है शुगर केन, इसी से बनानी पड़ेगी हमें शुगर। और शुगर बनाने के लिए आपको बस ऐसे रखना है, तो इससे आपको शुगर मिल जाएगी। तो अब करना क्या है, अब हमें नीचे जाना है। जो आई होती है, स्पाइडर आई होती है, वो भी ज़रूरत होती है। तो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर आप इनविजिबल पोशन बनाना चाहते हो। तो अभी करना क्या है, हमें नीचे जाना है और साथ में रखनी है एक आई। तो इनविजिबल पोशन बनाने के लिए आपको एक फर्मेंटेड आई बनानी पड़ती है, जिसके लिए आपको कुछ इस तरीके से रखना है। आप चाहो तो इनको ऐसे भी रख सकते हो, जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। बस एक आई रखनी है, और एक शुगर रखनी है, और एक रखनी है ब्राउन मशरूम। तो इससे मिल जाएगी आपको फर्मेंटेड आई। ओके, तो फर्मेंटेड आई आ गई है, और इसको मिलानी है हमें, जो हमारे पास एक पोशन है नाइट विजन की पोशन है, उसमें मिलानी है। तो करना क्या है हमें, जो हमारे पास नाइट विजन की एक पोशन है, एक पोशन में मिलाऊंगा मैं। तो एक पोशन को रखनी है और ऊपर से बस इसमें डाल देनी है। तो थोड़ी देर में बन के आ जाएगी जो हमारी इनविजिबल की पोशन होगी, वो बन के आ जाएगी। और बढ़िया है कि हम वहाँ पर जाके इनविजिबल हो जाएंगे, ताकि कोई देख ना पाए। तो नाइट विजन की हमें दो की ज़रूरत है, तो एक बार देख लेते हैं कि ओके, इग्नाइट हमारे पास है, एक हमें कैरेट और चाहिए, तो एक नाइट विजन और बना लेते हैं। तो अभी हमारे पास देख लेते हैं नाइट विजन की पोशन। ओके, तो इनविजिबल की पोशन हमारे पास आ गई है। तो अभी हमें करना क्या है कि हमें एक दो नाइट विजन की पोशन और बनानी है। तो मैं थोड़ा पोशन का सामान ले आया हूँ ऊपर से, जो कि है वाटरमेलन है और कैरेट है, तो इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए मैं थोड़ा ले आया हूँ साथ में। और अभी करना क्या है, मुझे थोड़ी पोशन और बना लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और वाटर की बोतल भी मैं लाया था, और इसमें मुझे मिला देना है जो नेदर वर्ट है, नेदर वर्ट मिला देना है, क्योंकि मैं एक नाइट विजन की पोशन और बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बची है, तो इसलिए बनाने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से मुझे ले ही आनी चाहिए, ये जो रखी हुई है ना क्राफ्टिंग टेबल, इसको लेके आनी ही पड़ेगी नीचे। इस बार मैं लेके आऊँगा इसको, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसकी। तो अभी क्या करना है हमें, जो हमारे पास पोशन का जो बेस है वो बन के तैयार हो गया, बस इसमें मिला देनी है एक जो गोल्डन कैरेट है, वो मिला के रखनी है। तो बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा सामान है उसको रख देते हैं यहीं पर। ओके, तो नाइट विजन की पोशन आ गई है, 3 मिनट की है, तो इसको भी 8 मिनट की करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो एक इसमें मिला देना है ग्लोस्टोन, सॉरी रेड स्टोन। तो अभी हमारे पास एक वाटर ब्रीथिंग की, दो वाटर ब्रीथिंग की है, और एक नाइट विजन है, और एक है इनविजिबल की पोशन। तो इनविजिबल की पोशन अगर नहीं पता कैसे बनती है, तो इनविजिबल की बनाने के लिए आपको नाइट विजन में एक फर्मेंटेड आई मिलानी पड़ती है, तो आपको मिल जाएगी एक इनविजिबल की पोशन। और मेरे पास दो दो पोशन हो गई है, तो अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हम ओशन मैनूमेंट की तरफ, और देखते हैं कि ओशन मैनूमेंट हमें कहाँ मिलेगा। तो खाना भी हमारे पास है, और लगभग सारी चीज़ें हैं, तो अब चलना पड़ेगा हमें बाहर। तो एक मैं पिकैक्स भूल गया था, इसको भी मैंने ले ली है। और मैं घोड़ा अपने साथ नहीं ले जाने वाला, क्योंकि सारी जो भी चीज़ होगी वो पानी में होगी, तो इसलिए घोड़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कि कब में पानी आ जाए और घोड़े को मुझे छोड़ना पड़ जाए, तो इसलिए ऐसे ही चलेंगे।
तो फाइनली मैं आ गया हूँ जो ओशन मोन्यूमेंट है उसके सामने आ गया हूँ, वो रहा सामने। तो अभी तो वहाँ नहीं जाने वाले क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहीं आसपास एक घर बना लूँ। और घर मैं बनाऊँगा किधर, तो थोड़ा दूर बनाऊँगा मैं इससे घर। ओके, तो उस तरफ ओशन मोन्यूमेंट है और इस तरफ बनाऊँगा। और देखिए नीचे जो खजाने वाली जगह है वो नीचे ही है, तो अभी नीचे जाएंगे पहले और देखेंगे कि कितना खजाना हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो घर मैं यहाँ बनाऊंगा। और घर बनाने के लिए मुझे करना क्या है कि जो ग्रास है ये, इन्हीं के ऊपर मैं कबलस्टोन रखने की कोशिश करूँगा। मुझे उतरना पड़ेगा एक बार, तो रखने की कोशिश करते हैं। तो बढ़िया, अब थोड़ा सा बस एक बार ऊपर बन जाए। हाँ ये ठीक है, तो अब बस मुझे इसके ऊपर जाना और यहीं से मुझे थोड़ा बहुत घर बना लेना है, मतलब एक टेम्परेरी घर बना लेना है। तो सबसे पहले मैं चेस्ट को रख लेता हूँ और बेड को रखूँगा मैं यहाँ, और टॉर्च भी लगा लेता हूँ मैं ताकि यहाँ उजाला रहे। और जो मेरा बाकी का सामान है, जो मेरा काम का सामान है, जैसे कि मेरी नाव है, तो नाव को भी लानी पड़ेगी इधर। और नाव के पास मुझे एक बनाना पड़ेगा रास्ता। तो ये ठीक है, हमारी नाव यहीं रहेगी और जो हमारा आने जाने का रास्ता है वो ये रहेगा। तो यहाँ मैं अपनी सारी काम की चीज़ें रख देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये खो जाए। और जो इन्फिनिटी बो है इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमें एक वाटर ब्रीथिंग की ज़रूरत है क्योंकि मैं नीचे जाने वाला हूँ खजाना ढूंढने के लिए। और बाकी की जो सामान है उनको रख देते हैं पहले। तो अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ और देख लेता हूँ। हाँ वो रहा नीचे। ओके, तो सबसे पहले एक वाटर ब्रीथिंग की लेनी पड़ेगी और चलते हैं खजाने की तरफ, देखते कि हमें क्या खजाना मिलेगा। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डिज़ाइन के मिलते हैं, और जो अभी हमें मिला है इसमें देखना पड़ेगा कि खजाना किधर होगा, क्योंकि कई बार बाहर ही खजाना हो जाता है, इसलिए बाहर से भी अगर दिख जाए तो अच्छी बात होती है, तो अंदर ही जाना पड़ेगा हमें इसके लिए। ओके, तो यहाँ खजाना नहीं है, थोड़ा आसपास देखते हैं क्योंकि ऐसे ये आसपास ज़रूर होंगे। और पहले टाइम देख लेते हैं, अगर तो 2 मिनट तक और हमें दिखेगा तो एक बार देख लेते हैं आसपास कुछ मिल जाए हमें। तो देखिए सामने जो मोन्यूमेंट है वो है, और जो नीचे की डेकोरेशन है वो बिल्कुल ही अलग है क्योंकि जो अपडेट हुआ है, अपडेट की वजह से जो नई चीज़ आई है वो काफ़ी अलग ही है। तो अभी जो मेरी पोशन है वो ख़त्म हो गई है, तो थोड़ा ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा हमें। तो मैं सोच रहा था कि उसी में ट्राई कर लूँ क्योंकि उसी में मुझे खजाना मिलेगा, क्योंकि लग रहा है मुझे कि वहाँ कुछ तो होगा ही। तो एक बार घर देख लेते हैं घर किधर है। ओके, तो ये रहा घर, और देखते हैं नीचे कि जो वो वाला स्ट्रक्चर था उसमें कुछ खजाना मिल जाए। तो एक बार हम इसको द्वार से खोदेंगे, और सामने से एक ड्रावनेट आ रहा है, तो उसको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ और वो इधर ही आएगा। तो तब तक देख लेते हैं खोद के कि जब तक ही आएगा। ओके, तो इसको पहले मार ही देते हैं। तो ये पता नहीं क्या होता है कि जैसे ही मैं मारता हूँ स्क्रीन एकदम से रोटेट हो जाती है। अगर आपके साथ भी होता है तो मुझे बताना ज़रूर यार। तो फाइनली मिल गया है खजाना, थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन मिल गया है। और हमें मिली एक बुक जो कि है फायर प्रोटेक्शन की, और जो बाकी की चीज़ें इनको भी रख लेते हैं, कोयल भी काम आएगा। आपको बता दूं कि कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहां 2 खजाने होते हैं, तो एक बार इन चेस्ट को तोड़ के देख लेना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 चेस्ट भी मिल जाते हैं। तो चेस्ट को तोड़ना बिल्कुल ना भूलें अगर आप समुंदर के अंदर खजाना ढूँढ रहे हो तो। ओके, तो एक ही खजाना था यहाँ, और चलते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि रात होने वाली है और जल्दी से हमें जो स्पॉन लोकेशन है उसको सेट भी करना है। तो फाइनली हम आ गए हैं हमारे ओशन मोन्यूमेंट के पास, वो सामने ही है ओशन मोन्यूमेंट, किधर गया। ओके, तो मेरे ख्याल से वो रहा, हाँ ये रहा ओशन मोन्यूमेंट। तो दिख नहीं रहा होगा आपको लेकिन सामने ओशन मोन्यूमेंट है। तो अगले भाग में मैं ओशन मोन्यूमेंट के अंदर जाने वाला हूँ, अभी तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि अभी रात नहीं हुई है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है। और अब बात करते हैं जो हमारे गिव अवे का विनर है, तो जो गिव अवे का विनर है
वो हमारा है उज्जवल माहौर, जो कि है हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी है, काफ़ी ज़्यादा बात भी करता है। तो ये है उज्जवल माहौर की कमेंट, और कमेंट में लिखा है कि मुझे ये गेम इसलिए चाहिए क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट प्रो प्लेयर हूँ, लेकिन इस प्रो माइनक्राफ्ट प्लेयर के पास ऑफिशियल माइनक्राफ्ट नहीं है। अगर मेरे पास ऑफिशियल माइनक्राफ्ट होता तो मैं बिना टेंशन के अपने दोस्तों के साथ सर्वर में खेल पाऊँगा और सर्वर में भी प्रो मन जाऊँगा। ये पता नहीं क्या लिखा है, माइनक्राफ्ट केम इन माई फेवरेट गेम लिस्ट। ओके, तो जो उज्जवल माहौर है वो विनर है इस गिव अवे का, तो अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए गेमिंग एपिसोड में।